अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज भी कुछ फ्लैट नोट विटनेस करते हुए दिखाई दिए। हमने देखा आज मार्केट में कुछ पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन लास्ट आवर में कुछ एक्टिविटी प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील हो गई, जिसका इंपैक्ट हमने लास्ट में फ्लैट नोट विटनेस किया और 47,000 के लेवल पे ही क्लोजर हुआ। इट मीन्स के मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इसकी परफॉर्मेंस पे। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब साहब, आप सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट की परफॉर्मेंस आजकल कुछ फ्लैट नोट विटनेस की जा रही है, रोल ओवर वीक है या फिर FATF का फियर है, एक्चुअली हो क्या रहा है? देखिए, आपने बात सही करी कि रोल ओवर वीक की वजह से एक तो मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो है वो एक इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, और इसके अलावा 30 जून भी है, तो जो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है तो हर इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े से उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और उनकी चूँकि परफॉर्मेंस भी हो चुकी होती है और वो नई पोजिशन जो है वो उनका अंदाज़ा ये होता है कि जुलाई में ली जाए, तो एक तो ये कि उनकी एक्टिविटी ज़रा कम हो जाती है, और ओवरऑल जो है रोल ओवर वीक की वजह से। और FATF की बात आपने सही कही, लेकिन FATF में बहुत सारी लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है, बिल्ट अप हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि FATF की वजह से ज़्यादा मेरे ख्याल से खामोश हैं। खामोशी इस वजह से है कि ये ज़रा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, इसकी वजह से एक्टिविटी ज़रा कम हो रही है। राइट, FATF का जिक्र हो रहा है सर, क्या दिखाई दे रहा है, FATF का आउटकम क्या होगा? बहुत अरसे से हम वेट कर रहे हैं कि वाइट लिस्ट में जाएं, अब कल फ्राइडे है, कल लास्ट आई थिंक मीटिंग है। देखिए, पाकिस्तान ने मोस्ट ऑफ द कंडीशंस तो मीट कर ली हैं, 26 आउट ऑफ 27 दे हैव ऑलरेडी मेट द कंडीशंस। अब मेरे ख्याल से तो दूसरी कंट्रीज ने तो अगर कम भी कंडीशंस मीट करते हैं तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि हमारी रिलेशनशिप विद US जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें आपने देखा है कि हमने कुछ बातें US की नहीं मानी रिगार्डिंग अफगानिस्तान, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली थोड़ा सा हम लोग स्ट्रगल करेंगे इस एस्पेक्ट में, और मुझे लगता है कि अगर हम ग्रे लिस्ट में भी रहें तो इतना कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक हमें जितने भी जो भी हमारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं होंगे अगर हम ग्रे लिस्ट में रहें, तो मुझे लगता है मेरा अपना व्यू ये है कि हम शायद अभी हम वाइट लिस्ट में ना ग्रेजुएट करें, और हमें 3-4 महीने लगेंगे थोड़ी सी हमारी रिलेशनशिप को, हमें थोड़ा सा जब हमारा IMF का रिव्यू भी पूरा हो जाए, अभी IMF का रिव्यू भी जो है वो आगे थोड़ा पोस्टपोन किया है। आप समझते हैं कि IMF के साथ भी एग्जैक्टली सर, IMF के साथ साथ इंडिया भी बैक बाइटिंग करता है, तो ये तमाम चीजें कंपाइल होके अभी आपको ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ये बात है? मुझे इस एरिया में मुझे लगता नहीं है कि ये हम कर सकेंगे, लेकिन ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से हमारे कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट करेगी। मुझे लगता है कि बहुत सारी और पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारी मार्केट को जो है वो कंसोलिडेट करने के लिए और आगे प्रोग्रेस करने के लिए। मेरे ख्याल से बजट बहुत ही अच्छा आ गया हमारे लिए, जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी ग्रो करेगी, इंटरेस्ट रेट्स बड़े नीचे हैं, लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स बनाने के बहुत सारे एवेन्यूज हैं। IPO बड़ा जबरदस्त हुआ, मतलब दिस इज दी लार्जेस्ट IPO इन टर्म्स ऑफ द पार्टिसिपेशन। वी हैव रिसीव्ड 10.8 बिलियन रुपीज ऑफ पार्टिसिपेशन। सो किसी भी पाकिस्तान में किसी भी IPO में जो प्राइवेट सेक्टर का IPO होता है, मैं पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, पब्लिक सेक्टर में जैसे OGDC और PPL वगैरह आते हैं, प्राइवेट सेक्टर IPO में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आई है 10.8 बिलियन रुपीज की। तो माशाल्लाह से वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दी IPOs गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, बिकॉज इसने बड़ा इनकरेज किया, क्योंकि लोगों की जो परफॉर्मेंस, लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी, ये दूसरा सबसे बड़ा IPO हो गया इंटरलूप के बाद, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा IPO हो गया जो हमने कल IPO हमने कंक्लूड किया। तो सर, ये सारी चीजें किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ये बता रही है कि मार्केट के ऊपर ट्रस्ट, ये इंडिकेट कर रही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स दी इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गया है। ये इंडिकेट कर रही है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है और बड़ी ग्रोथ हो रही है। ये इंडिकेट कर रही है कि हम आगे जाके हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करेंगी, जो पॉजिटिव पॉलिसीज है वो कंटिन्यू करेंगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा। देखें, मैं आपको बताऊं कि इस साल
क्लोज हो रहा है, FY21 क्लोज हो रहा है, तो हमारे टोटल 8 इक्विटी आईपीओज हो गए और एक डेट का आईपीओ हुआ है, तो ये पिछले 10 साल के सबसे हाईएस्ट है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। मतलब ये पॉजिटिव चीज ये है कि आपको आपको ये लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ही है जिसकी वजह से नई कंपनीज आई है, वरना हमारी मार्केट में साल में 2 या 3 कंपनीज आती थी और वो भी बहुत कम हो गई थी रिसेंट ईयर्स में, हमने देखा 2 या 3 आती थी। अब इस दफा 8 नई इक्विटी कंपनीज आई हैं और एक डेट का आईपीओ हुआ, तो इसका मतलब है कि यू नो द डेज आर पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान नाउ। राइट सर, वॉल्यूम्स भी हम फर्स्ट टाइम बिलियंस में देख रहे हैं इस ईयर, तो ये भी एक गुड साइन है। जी, बिल्कुल। इसके साथ साथ सर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, अभी जो मार्केट चल रही है आप समझते हैं कौन से स्क्रिप्ट्स ज्यादा परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर ब्लू चिप्स? देखिए मैं आपको सेक्टर्स और थोड़े से आई वोंट कोट द नेम्स बिकॉज जाहिर है सेक्टर्स में मुझे अच्छे लगते हैं, ENP अच्छा लगता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस। इसके अलावा हमें जो है रिफाइनरी सेक्टर भी बेहतर लगता है, टेक्सटाइल सेक्टर जो कि बजट में भी फोकस किया गया है कि उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं और जो भी एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज को कम किया है इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स हैं जो कि स्टील और सीमेंट सेक्टर्स हैं, वो बड़ा मेरे ख्याल से पॉजिटिव इनके लिए होगा क्योंकि इनके नंबर्स बेहतर होंगे, इनकी सेल्स बेहतर हो रही है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो एलोकेशन है वो बजट में 900 बिलियन की फेडरल की है और प्रोविंशियल की मिला के 2.1 ट्रिलियन की है, विच इज़ वेरी हाई। तो मुझे लगता है कि ये सारे नंबर्स इतने इम्प्रेसिव नंबर्स हैं बजट में दिए गए हैं और प्रो ग्रोथ हैं। जब प्रो ग्रोथ नंबर्स होते हैं तो जो भी कंपनीज होती हैं उनकी सेल्स बढ़ती है, उनके मार्जिन्स बढ़ते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एग्जैक्टली एक्सपेंशन होती है और फिर एम्प्लॉयमेंट होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक्सपेंशन हो रही है। देखे ना वो स्टेट बैंक ने टर्फ की फैसिलिटीज दी है, तो यू नो उसकी वजह से बड़ा उसका इम्पैक्ट आना ही आ चुका है। अगले 2 साल में इम्पैक्ट आएगा, मतलब जब मशीनरीज इम्पोर्ट होंगी और जब ये अल्टीमेटली कैपेसिटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और टॉप लाइन जो सेल्स भी है वो भी बढ़ेगी। तो अभी इसका इम्पैक्ट तो अगले 1.5-2 साल में आएगा और ये बहुत ही पॉजिटिव है। जब आपकी कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी तो ओवरऑल पहले तो हम स्ट्रगल करते थे ना कि हमारी कैपेसिटीज नहीं बढ़ती थी, तो कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी तो आगे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और बहुत ज्यादा ग्रोथ है। एग्जैक्टली बहुत रूम नजर आता है। सर एक और चीज जो आजकल देखी जा रही है वो है रुपी की डेप्रिसिएशन, सर वो क्यों हो रही है और इतना ज्यादा क्यों हो रही है डेली बेसिस पे? देखिए एक तो ट्रेड डेफिसिट हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा जा रहा है। हमारा मंथली जो है अभी हम करंट अकाउंट सरप्लस पे खड़े थे, ठीक है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1-2 महीने से हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है और हर मंथली करंट अकाउंट डेफिसिट होगा जैसे जैसे हमारी इम्पोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि अभी देखे ना मशीनरीज वगैरह की भी इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज आपने टर्फ की फैसिलिटी दी है, इसका मतलब है आपने कहा है कि प्लांट अपनी कैपेसिटीज बढ़ाएं। जब कैपेसिटीज बढ़ाते हैं तो आपको जो मशीनरीज जो है वो मंगवानी पड़ती है, इम्पोर्ट करनी पड़ती है। जब इम्पोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रेशर पड़ता है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चूंकि थोड़ा वाइडन हो रहा है पिछले महीने से अगर कंपेयर करें, ऑल्दो पिछले सालों से करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन पिछले महीनों से कंपेयर करो तो थोड़ा वाइडन हो रहा है। हमारा रेमिटेंस का नंबर बड़ा अच्छा हो गया है, इसकी वजह से हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 52-53 से 58 हो गया तो इतना ज्यादा जो है डिप्रिशिएट नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तो हम कंफर्टेबल जोन में हैं। आई मीन वी कैन मूव बिटवीन 53-57-58, इट डजंट मीन ज्यादा आगे नहीं जाने वाले, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। मुझे लगता है हाँ ये भी है कि थोड़ी सी IMF के साथ हमारी निगोसिएशन थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर रही है और रिव्यू हमारा बाद में होगा अब, क्योंकि अभी जो नई ट्रांच आने वाली थी वो अब 3-4 महीने बाद आएगी, अभी नहीं आएगी। तो ये भी एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार ये ट्रांच अभी नहीं आई, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मार्केट में एक सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। राइट नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव जेस्चर है, मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी पॉजिटिविटी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं। मार्केट के नंबर्स कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, 53,000 या 55, क्योंकि एक अच्छा हम कहेंगे हाईएस्ट स्कोर हमारा टारगेट तो है? बिल्कुल हमारा टारगेट तो इस बेसिस पे है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो हमने 21-22% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2021 की पूरे साल की और 2022 की हम 13-14% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ हम यही प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी रहे हैं, जो कि आज अगर हम 2000
22 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 6.5 का मल्टीपल है और 2021 के हिसाब से बात करें तो 7.5 का मल्टीपल है। अगर हम रीजन में नहीं, हमारा अपना प्राइस अर्निंग मल्टीपल पाकिस्तान का वो 7.5 2021 पे है और तकरीबन 6.5 के करीब जो है वो 2022 की अर्निंग पे है। अगर हम अज्यूम करें कि ये अर्निंग ग्रोथ सिर्फ इसी मल्टीपल पे भी अगर हम रहते हैं तो 55,000 तो हम आराम से जा सकते हैं। मतलब ये ऐसा इंडेक्स है जो कि इजीली अचीवेबल है। सर रीजन में तो सबसे चीप है ना ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल, रीजन में तो हम जिंदगी भर हम चीप रहे हैं। ठीक है ना, रीजन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो रीजन को इस तरह कंपैरिजन करते हैं कि हमारा एवरेज डिस्काउंट जो है वो 45% के करीब होता था, अब हमारा डिस्काउंट जो है वो 55% पे चला गया है। तो अगर हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 55 से हमारा 45% का डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कर सकते कि खत्म हो जाएगा। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कमोडिटीज देखे जाए तो वो कहाँ जा रही है, उसके प्राइस कहाँ जा रहे हैं? बढ़ रही हैं आजकल, ये इसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, बाकी कमोडिटीज स्टील की प्राइसेस बढ़ गई हैं, HRC की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो जाहिर है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। और ये भी एक बड़ा रीज़न है जो आपने पूछा था ना डीवैल्यूएशन का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम तो इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ से कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितनी बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है। थैंक यू सो मच शाहिद अली हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज bizstalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।